नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर्स में आज हम लेकर आए हैं अफ्रीकी देश सेनेगल के मशहूर कवि बिरागो डियोप की पोयम ब्रेथ। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस पोयम के माध्यम से बिरागो डियोप ने जो दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति है उसमें एक मान्यता है कि जो नेचर के तत्व होते हैं, प्रकृति के जो तत्व होते हैं, प्रकृति के जो स्वरूप होते हैं और जो उसकी भावनाएं होती हैं, उन सब में जीवन तत्व मौजूद होता है। ये जो जीवन तत्व होता है वो हमारे पूर्वजों के जीवन के रूप में होता है। ये कि मनुष्य इस जीवन में मरण की जब मृत्यु हो जाती है तो भी वह प्राकृतिक तत्वों के रूप में यहीं मौजूद रहता है। तो अफ्रीकी समाज में जो ये अवधारणा है इसको ही इस पोयम के माध्यम से बिरागो डियोप ने स्थापित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिरागो डियोप की पोयम ब्रेथ का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पोयम की पहली दो लाइनें हैं, लिसन मोर टू थिंग्स देन टू वर्ड्स दैट आर सैड। इनका मतलब है कि तुम उन चीज़ों से थोड़ा हट करके सुनने की कोशिश करो, उन चीज़ों जो चीज़ें तुम्हें सुनाई पड़ती हैं, जो चीज़ें तुमसे कही जाती हैं, मतलब या जो तुम्हारे कानों से तुम्हारे सुनाई पड़ती हैं, उन चीज़ों से अतिरिक्त सुनने की कोशिश करो। ये अतिरिक्त क्या है? प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके अंदर से निकलने वाली आवाज़, उनकी भावनाएं, उनको सुनने समझने और उनका अर्थ जानने की कोशिश करो। उन सब में आपको जीवन का एहसास होगा। पोयम की अगली लाइनों में इन चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे देखिए अगली पांच लाइनें हैं, द वाटर्स वॉइस सिंग्स एंड द फ्लेम क्राइज एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वुड टू साइज इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड। इन लाइनों का मतलब है, द वाटर्स वॉइस सिंग्स, मतलब जो पानी की जो ध्वनि है, जो पानी की कलकल सी सी आवाज़ है, उसमें जो संगीत है गूंजता है, उसको सुनो, उसे समझो, वो भी एक जीवन का प्रतीक है। एंड द फ्लेम्स क्राई, और जो आग की लौ में, आग की लपटों में जो आवाज़ है, उससे भभकने की आवाज़, वो जब आग कोई लपट चलती है तो भर 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 की जो आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ती है, उसको समझो, ये भी जीवन का प्रतीक है। एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वुड टू साइज, हवा के माध्यम से गूंजने वाली या हवा के चलने से सुनाई देने पड़ने वाली जंगल की सिसकियों को सुनो, ये भी किसी जीवन को दर्शाते हैं। क्योंकि ये चारों चीज़ क्या हैं? इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड। सारी चीज़ें हैं जो पानी का संगीत है, पानी में से जो ध्वनि निकल रही है, जो आग से ध्वनि निकल रही है, जो विंड से मतलब हवा के अंदर जो ध्वनि लाती है जंगल की सिसकियों की, ये सब ब्रीदिंग ऑफ द डेड, मृतकों की सांसें हैं। मृतकों से मतलब है कि जो हमारे पुरखे, जो हमारे माता पिता दादा दादी या जो भी हमसे पहले लोग मर गए हैं, जिनको हमने दफन कर दिया है, उनकी सांसें और उनका जीवन इन चीज़ों के माध्यम से प्रकट होता है। ये सब चीज़ें उनकी सांसों के रूप में हमारे सामने आती हैं, प्रकृति में उनकी ये चीज़ को साबित करती हैं कि पुरखे हमारे अभी भी जीवित हैं, जीवित नहीं हैं लेकिन उनके अंदर जीवन तत्व मौजूद हैं, जिसको कि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। सारी चीज़ें हमारे पुरखों के जीवित होने का प्रमाण देती हैं।
पानी, आग, हवा इत्यादि के रूप में, इन सारे प्राकृतिक तत्वों के रूप में हमारे साथ ही हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। अगली जो लाइनें हैं पोएम की, उनमें भी इसी तथ्य को स्थापित करने की कोशिश की गई है। ये लाइनें हैं, दोज हु आर डेड हैव नेवर गॉन अवे, दे आर इन द शैडोज डार्केनिंग अराउंड, दे आर इन द शैडोज फेडिंग इन टू डे। यहाँ पहली लाइन जो है, दोज हु आर डेड हैव नेवर गॉन अवे, इसका मतलब है कि वे लोग जो डेड हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, यानी जो हमारे पुरखे मर चुके हैं, हैव नेवर गॉन अवे, वे कभी भी हमसे दूर गए ही नहीं। जो हमसे दूर, जिसको हम सोचते हैं कि मर गया, वो तो सिर्फ उसका बॉडी या शव है, वे तो अपने जीवन तत्व के रूप में, आत्मा के रूप में अभी भी मौजूद हैं, और वो आगे प्रकृति के तत्वों में आकर के अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं। जैसे कि दे आर इन द शैडोज डार्केनिंग अराउंड, वे हमारे पुरखे तो जो चारों तरफ गहरी होती परछाइयों में हैं, आर इन द शैडोज फेडिंग इन टू डे, वे दिन के दौरान धुंधली होती परछाइयों में भी मौजूद हैं। यहाँ हम देखते हैं जो हमारे जीवन में कि परछाइयाँ डार्केनिंग गहरी कब होती हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, पहले जब शुरू होता है दिन तो परछाई हल्की होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो गहरी होती चली जाती है, इसके बाद फिर जब दिन डूबता है तो परछाई हमारी फिर से हल्की होने, शाम के समय हल्की होने शुरू हो जाती है, और फिर वो आखिरकार परछाई बंद हो जाती है, रात आ जाती है। ये जो घटनाएँ हैं, परछाई का गहरी होना सुबह से लेके दो, फिर दोपहर में और ज़्यादा गहरी हो जाती है, शाम को फिर हल्की हो जाती है, तो ये जो परछाइयों का उतार चढ़ाव है, मतलब दिन, दोपहर, शाम, ये सब जो हो रहा है, ये सब, इन सब में हमारे पुरखों की सांसें झलकती हैं, ये प्रतीक हैं कि पुरखों की सांसें इसमें हैं और उनके जीवन का ये संकेत देती हैं। द डेड आर नॉट अंडर द ग्राउंड, वे जो पुरखे हैं हमारे, वो जमीन के नीचे कब्रों में थोड़ी पड़े हैं, कब्र में तो सिर्फ वो जो शरीर था ऊपर से दिखने वाला वो था, और वो भी मिल जाता है उसमें, लेकिन हमारे पुरखे अभी मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? दे आर इन द ट्रीज दैट क्वीवर। जो क्वीवर शब्द है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ में धड़कन, स्पंदन या हिलना डुलना की तरह जो होता है, जीवों का स्पंदन है उनके अंदर, जो हिलना डुलना जिससे लगता है कि उनके अंदर जीवन है, उस हिलने डुलने में हमारे पुरखों का जीवन मौजूद है, उनकी सांसें इनके अंदर मौजूद हैं, उनकी सांसों के स्वरूप ही है। अगली लाइन है, दे आर इन द वुड्स दैट वीप, वे वहाँ भी हैं, जो वुड्स दैट वीप, जो जंगल है, जो पेड़ हैं, जो बगीचे हैं, उनकी जो, उनका जो रुदन, रोना, उनकी सिसकियाँ हैं, उसमें भी वो उनके स्वरूप में उन पुरखों की सांसें हैं या उन पुरखों का जीवन है। जो पेड़ों का रोना या सिसकियां दी गई हैं ऊपर की लाइनों में भी, शुरू में दी गई थी, उसका मतलब सिर्फ ये कि जब हवा थोड़ी धीरे धीरे चलती है, थोड़ा उसमें स्पीड आती है, हवा में गति आती है, तो कई सारे पेड़ों के उसमें से होकर निकलती है, तो उसमें एक आवाज़ आती ऐसे करके, वो थोड़ा उतरती चढ़ती है, तो उसी को उन्होंने सिसकियों के रूप में, जंगलों की सिसकियों के रूप में या उनके रोने के रूप में प्रस्तुत किया है। पर उसके अंदर भी, या जो ये घटना हो रही है, जो हवा चल रही है, जो जंगल की सिसकियाँ या जंगल की जो ध्वनि है पेड़ों के बीच से निकलने वाली हवा के साथ मिलकर जो हमें दिखती है, सुनाई पड़ती है, ये उन पुरखों की सांसों की मौजूदगी बता रहे हैं। दे आर वाटर्स ऑफ द रिवर्स, हमारे पुरखे उस नदी के बहते पानी में भी हैं, नदियों के बहते पानी में, जो लगातार चलता रहता है, जिसमें से कल 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 कर ध्वनि निकलती रहती है, जो कभी रुकता नहीं है, जिसकी हमेशा गतिमान रहता है, वहाँ भी पुरखों की सांसें हैं, यानी पुरखों का जीवन है, और पुरखों की वहाँ भी मौजूदगी है। दे आर इन द वाटर्स दैट स्लीप, वे जो हमारे पुरखे हैं,
ये उस वाटर में भी हैं, उस जल में भी हैं, ऐसे पानियों में भी हैं, पानी के उन सभी स्रोतों में हैं जो स्लीप मतलब जो चुपचाप शांत जो जल है जिनमें कोई उथल पुथल नहीं हो रही, वहाँ भी हम पुरखों की सांसें मौजूद हैं, पुरखों का जीवन मौजूद है, पुरखों का अस्तित्व मौजूद है। दे आर इन द क्राउड्स, जो भीड़ है, जो भीड़ वाले स्थान हैं, बाजार, शहर और सड़कें, जहाँ भी ये जो क्राउड्स है होती है, जो भीड़ हैं, उनके रूप में भी हम ये जो पहल है, इन सब में पुरखों की सांसें, पुरखों का जीवन और उनका अस्तित्व मौजूद है। आर इन द होम स्टेट दे डेड आर नेवर डेड, दे आर इन द होम स्टेट। होम स्टेट ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, के लिए तो मकान होता है, उसके लिए यहाँ पर होम लिख सकते थे, लेकिन आपकी जो घर होते हैं देहातों में या जिस इलाके में ये रहते थे अफ्रीका में, वहाँ पर घर होता है, घर के आगे जमीन होती है, जमीन के आगे खेत वगैरह भी होते हैं, तो एक पूरी आपकी प्रॉपर्टी, सब घर, मैदान, जमीन सबको मिलाकर एक उसका जो आपका वास स्थान या वो आपका रहने का जो इलाका होता है या जो जायदाद होता है, उस सबको मिला के अगर कहा जाए तो वो होम स्टेट कहलाता है। तो उन वास स्थानों में भी हमारे पुरखों की सांसें मौजूद हैं, उनका जीवन मौजूद है। जैसा कि भारतीय प्राचीन संस्कृति में भी ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सबको पूजने की परंपरा रही है, मतलब ये माना जाता है कि घर में भी एक जीवनी शक्ति होती है, आपके रहने के स्थान में भी एक जीवन शक्ति मौजूद हो जाती है, जो आपके खेत होते हैं, कुछ भी आप पेड़ होते हैं, उनमें भी हम लोग जीवन जीवनी शक्ति का एहसास करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो यही इसी तरह का वहाँ भी दक्षिण अफ्रीका में भी कल्चर है कि जो उनके आसपास की चीज़ें हैं, जल, पानी, हवा, आग, सूर्य, चंद्रमा, घर, जमीन, सबको वो समझते हैं कि इनमें हमारे पुरखों का और हमारे देवताओं का वास होता है। ये जो लाइन है वो इसी बात से समाप्त होती है कि डेड आर नेवर डेड, ये जो मृतक हैं, जो हमारे पुरखे हैं, जो मर गए हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो कभी मरे ही नहीं हैं, वो तो इन सारी चीज़ों के बीच में, इन सारी चीज़ों के रूप में, इन तत्वों के रूप में, इन भावनाओं के रूप में, इन घटनाओं के रूप में, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक तत्व जो हैं या प्राकृतिक जो भावनाएं हैं, सब में ये प्रत्येक हमारे मृत पुरखे मौजूद हैं, उनकी सांसें मौजूद हैं, यानी कि वो उनकी जीवनी शक्ति इनके रूप में हमारे साथ में रहती है, प्रकट होती है। अगली लाइनें हैं, ये लाइनें रिपीट हुई हैं, ये इस कविता में, इस पोयम में दो तीन बार ये लाइनें कई बार आएंगी, शुरू में भी थी और फिर से आई हैं। यहाँ लिसन मोर टू थिंग्स दैन टू वर्ड्स दैट आर सैड, द वाटर्स वॉइस सिंग्स एंड द फ्लेम क्राइज एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वुड्स टू साइज इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड। लाइनों का हम ऊपर अर्थ बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ दोबारा दी हैं तो हम इसको एक बार दोबारा भी बता देते हैं कि लिसन मोर टू थिंग्स दैन टू वर्ड्स दैट आर सैड, जो तुमसे कहा जाता है, जिसको तुम सामान्य अपने कानों से सुनते हो, उसके अलावा उनसे हट करके सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जैसे कि द वाटर्स वॉइस सिंग्स, जो पानी की ध्वनि है, पानी के चलने में, बहने में जो वॉइस निकलती है उस, और उसमें जो म्यूजिक समझ में आता है, सुनने में आता है, उसको सुनने की कोशिश करो, उसे समझो, इसमें जीवन है। एंड द फ्लेम्स क्राइज, और जो आग की लपटों में, आग की लौ में, जो उसमें जो भभकने की आवाज़ है और झरझर भर 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 करके जो उसकी जो लपटें जब जलती हैं तो उसमें एक आवाज़ निकलती है, उसको सुनो, ये भी एक किसी के जीवन होने का प्रतीक है, और किसके, पुरखों के जीवन होने का, पुरखों की सांसों का प्रतीक है। एंड द विंड दैट ब्रिंग्स दैट वुड्स टू साइज, और जो ये हवा है जो जंगलों की सिसकियों को लेकर के आती है, अपने साथ जंगलों की सिसकियाँ बहाती हुई चलती है और हमें सुनाई पड़ती है, उनको सुनने की और समझने की कोशिश करो। ये सब क्या है, इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड, ये सब हमारे पुरखों की, जो मृतक हैं उनकी सांसें हैं, मतलब उनका जीवन इन सब चीज़ों के रूप में उन हमारे सामने प्रकट होता है, उनके मरने के बाद वो इन चीज़ों के रूप में हमारे साथ में मौजूद रहते हैं। हु हैव
नॉट गोन अवे, हु आर नॉट अंडर द ग्राउंड, हु आर नेवर डेड, हु हैव नॉट गोन अवे, वो तो कभी भी हमसे दूर गए ही नहीं, हमारे जो पुरखे हैं, हु आर नॉट अंडर द ग्राउंड, वो तो जमीन के नीचे अब थोड़ी मौजूद हैं, वहाँ तो एक शरीर जो मिट्टी में मिल गया है, वो मिट्टी पड़ी है अंदर, उनका जो वास्तविक रूप है वो तो कहीं मरे ही नहीं। हु आर नेवर डेड, वो कभी, वो पुरखे कभी मरते ही नहीं हैं, हमेशा यहीं आसपास या दूर किसी न किसी रूप में, प्रकृति के किसी भी तत्व, किसी भी भावना, किसी न किसी स्वरूप में मौजूद रहते हैं, जीवित रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। और जो लाइनें थी उनमें कवि ने घटनाओं में पुरखों की मौजूदगी का एहसास करने की आग्रह किया था। अब नीचे जो लाइनें हैं इसके आगे, उनमें जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, उन सब भावनाओं में भी पुरखों की, उनकी जी, उनके अस्तित्व, उनकी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश की है। ये लाइनें हैं, दोज हु आर डेड हैव नेवर गॉन अवे, इसका लाइन तो इनका तो अर्थ स्पष्ट ही है कि जो मर गए हैं, जो हमारे पुरखे हैं, वो कभी भी हमसे दूर नहीं गए हैं। दे आर ऑल द ब्रेस्ट ऑफ द वाइफ, दे आर इन द चाइल्ड्स क्राई ऑफ डिसमे एंड द फायर ब्रांड बर्स्टिंग इन टू लाइफ, द डेड आर नॉट अंडर द ग्राउंड, वे जो हमारे पुरखे हैं पत्नी के स्तनों के में मौजूद हैं। या स्तन का मतलब वाइफ के ब्रेस्ट से मतलब है कि जो स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम की भावना है, जो समर्पण की भावना है, प्रेम के में हमारे पुरखे मौजूद हैं, उनका अस्तित्व, उनका जीवन उस प्रेम के रूप में भी हमारे बीच में मौजूद है। आर इन द चाइल्ड्स क्राई ऑफ डिसमे, हमारे पुरखे जो बच्चों का हताशापूर्ण रोना, रुदन, पुरखे मौजूद हैं। बच्चों की हताशापूर्ण रोने से मतलब ये है कि बच्चे अपनी माता पिता के प्रति, या जो उनसे बड़ा होता है, जो उनको पालता है, उसके प्रति जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तब उनका सिर्फ एक ही आसरा होता है, माँ पिता या जो भी उनका परिचित है, जो उन्हें, जिसको वो अपने पास देखते हैं, के प्रति वो बहुत इतना लगाव हो जाता है कि जैसे अगर वो दूर होते हैं या उसे कुछ घटता है तो भी बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि चीज़ मेरे हाथ से जा रही है, या ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, या उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस निराशा में कि मेरा कौन वो करेगा, तो बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते, तो वो रोता है, उस प्रॉब्लम से वो रोता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि दे आर इन द चाइल्ड्स क्राई ऑफ डिसमे, वे बच्चे की निराशापूर्ण जो रोना है उसमें भी मौजूद हैं। बच्चे की अटूट विश्वास है, जो असीम श्रद्धा है, उसमें भी हमारे पुरखों की जीवनी शक्ति, पुरखों की भावनाएं और पुरखों का जीवन मौजूद है, उनकी सांसें मौजूद हैं। अगली लाइन है, एंड द फायर ब्रांड बर्स्टिंग इन टू लाइफ, द फायर ब्रांड बर्स्टिंग, यहाँ जो फायर ब्रांड का मतलब होता है तेज तर्रार, बर्स्टिंग का मतलब होता है भड़कना, ठीक है, ये पटाखों जैसे फूटते हैं वहाँ भी बर्स्ट होता है वो, लेकिन और विस्फोट में भी बर्स्ट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य के व्यवहार में इसका मतलब होगा भड़कना। तो जो ये तेज तर्रार भड़कना है जिंदगी में, वहाँ भी पुरखे हमारे मौजूद हैं। वहाँ भड़कने से मतलब है गुस्से, जब आदमी नाराज होता है तब उसके अंदर बर्स्टिंग होती है, फायर ब्रांड बर्स्टिंग होती है, या फिर जब उसके अंदर कोई बहुत तगड़ी उमंग या उत्साह पैदा होता है तब उसके अंदर ये फायर ब्रांड बर्स्टिंग होती है। तो ऐसे जो भावनाएं हैं ऊपर, सबसे ये तीनों तरह की भावनाएं, ऊपर जो ममता है, जो आशा है, जो अटूट प्रेम है, जो अटूट हमारी आशा है, जो हमारा अटूट उमंग है, जो गुस्सा है, इन सब में हमारे पुरखे मौजूद हैं, उनका जीवन शक्ति, उनकी सांसें मौजूद हैं। और अगली लाइन में इसी बात को कहा, द डेड आर नॉट अंडर द ग्राउंड, वो जो पुरखे हैं वो अंदर नहीं रह रहे हैं, वो शरीर के तो नष्ट हो गया है, मिट्टी बन गया है, कहाँ रह रहे हैं, इन सब चीज़ों के रूप में हमारे पास, हमारे चारों ओर मौजूद हैं। अगली लाइन है, दे आर इन द फायर दैट बर्न्स लो, दे आर इन द ग्रास विथ टीयर्स टू शेड, इन द रॉक वेयर विनिंग विंड्स ब्लो, दे आर इन द फॉरेस्ट, दे आर
इन द होम स्टेड दैट द डेड आर नेवर डेड, मतलब है दे आर इन द फायर दैट बर्न, वे उस आग में भी हैं जो बहुत आराम से मंद मंद धीरे धीरे जलती है। की शुरुआती लाइनों में ये था कि आग की लपटों में, मतलब वो लपटे जब होती तो आग तेज होती है, लेकिन अगर लपटे नहीं भी जो निकल रही होती है, जो शांत आग तिनके होते हैं धीरे धीरे जलती रहती है, ऐसी मंद मंद जो आग जल रही जलती है वो भी हमारे पुरखों की सांसों या जीवन का प्रतीक है, उससे भी इस रूप में भी हमारे साथ होते हैं। दे आर इन द ग्रास विद टीयर्स टू शेड, वे उस ग्रास मतलब घास, टीयर्स टू शेड जो घास से आंसू निकलते हैं उसमें भी मौजूद हैं। पर घास से आंसू निकलने का मतलब यह है कि आप देखते हैं कि जब के मैदान होते हैं या कोई भी ऐसी जगह हो, यहाँ थोड़ा ऊंची घास होती है, उसमें सुबह समय ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, उसमें वो बूंद के रूप में जो घास के जो ऊपर कोने कोने में है, तो उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर लिया है कि जो ओस पड़ती है, ओस पड़ने की जो घटना है वो भी हमारे पुरखों का ही स्वरूप है, पुरखों की जीवनी शक्ति का या पुरखों की सांसों का ही ये प्रतीक हैं और ये इस रूप में यहाँ भी मौजूद हैं। रॉक वेयर विनिंग विंड्स ब्लो, वे तो उन चट्टानों में भी मौजूद हैं वेयर विनिंग विंड्स ब्लो, जहाँ पर एक हैरान परेशान हवा, चैनी भरी जो कराहट होती है जिसमें आदमी के अंदर कुछ किसी चीज़ की शिकायत भरा दर्द होता है, वो विनिंग होता है। तो इस तरह का दर्द लिए हुए, इस तरह की शिकायत भरी भरी जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, और ये जो हवा जहाँ से बहती है वहाँ जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, या जो चट्टानों से बनी पहाड़ियाँ हैं, बस्तियों के बीच में जो पहाड़ होते हैं वो अक्सर पत्थरों के कारण बने होते हैं, उनको खोद करके निकाला जाता है तो वहाँ पत्थर निकलते हैं। तो ऐसे जो पहाड़ हैं और वहाँ जो एक ये हवा है, शिकायत मतलब समेटे हुए जो हवा है वो जो बहती है, उसमें भी पुरखे मौजूद हैं, उनकी सांसें मौजूद हैं और उनका जीवन उनके रूप में मौजूद है। अगली लाइन है दे आर इन द फॉरेस्ट, ये हमारे पुरखे फॉरेस्ट में जंगलों में मौजूद हैं। दे आर इन द होम स्टेट, वे हमारे रहने के स्थान पर मौजूद हैं, होम स्टेट माने वास स्थान, वहाँ भी मौजूद हैं। द डेड आर नेवर डेड, वे पुरखे कभी मरे ही नहीं हैं, पुरखे हमारे बीच से कभी जाते ही नहीं हैं। इसके बाद की जो लाइनें हैं, 6 लाइनें 7 लाइनें हैं, ये सब पहले 2 बार आ चुकी हैं, तो इनको हम स्पीड से पढ़ लेते हैं। लिसन मोर टू थिंग्स देन टू वर्ड्स दैट आर सैड, द वाटर्स वॉइस सिंग्स एंड द फ्लेम क्राइज एंड द विंड दैट ब्रिंग्स एंड द वुड्स टू साइज इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड। फिर भी जल्दी से देख लेते हैं, लिसन मोर टू थिंग्स देन टू वर्ड्स दैट आर सैड, उन चीज़ों को जो तुम्हें सुनाई पड़ती हैं, जो तुमसे कही जाती हैं, उनसे अलावा अलग हट करके प्रकृति की अन्य चीज़ों को, भावनाओं को सुनो। द वाटर्स वॉइस सिंग्स एंड द फ्लेम क्राइज, पानी की जो ध्वनि है, पानी की जो आवाज़ है, जो उसमें जो म्यूजिक है उससे निकलने वाला गीत है उसको सुनो। एंड द फ्लेम क्राइज, और जो आग की लपटों में जो ध्वनि है उन और उससे जो कराहट है, चिल्लाहट है, उसको सुनो, समझो। ये सब जीवन का प्रतीक है पुरखों के। एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वर्ड्स वुड्स टू साइज, और जो ये हवाएं जो हमारे जंगलों से आती हुई, उनकी जो सिसकियां हैं जंगलों की, उनको लेकर के बह रही जो हवाएं हैं उनको सुनो। इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड, ये सब क्या हैं, ये उन पुरखों की सांसें हैं या पुरखों के जीवन का प्रतीक हैं, ये संकेत देती हैं कि पुरखे अभी जीवित हैं हमारे बीच में और इन सब चीज़ों के रूप में हमारे साथ रहते हैं। इसके आगे की लाइनें हैं, एंड रिपीट्स ईच डे द कोविनेंट वेयर इट इज सैड दैट आवर फेट इज बाउंड टू द लॉ एंड द फेट ऑफ द डेड हु आर नॉट डेड टू द स्पिरिट्स ऑफ ब्रेथ हु आर स्ट्रॉन्गर देन दे। ऊपर की घटनाएं थी, ये सब क्या बताती हैं, रिपीट्स ईच डे, ये हमेशा हमारे सामने, हमारी समझ के लिए
दोहराती हैं क्या चीज़ कि द कोविनेंट वेयर इट इज सेड, उस प्रतिज्ञा वचन एक अनुबंध होता है जो करार होता है उसको कोविनेंट बोलते हैं। तो ऐसे अनुबंध के लिए या उस प्रतिज्ञा वचन को दोहराती हैं हमारे सामने कि दैट अवर फेट इज़ बाउंड टू द लॉ, हमारा जो भाग्य है वो किसी एक निश्चित नियम से, ये प्रकृति का कोई नियम नहीं, जो जीवन मरण का नियम है, जीवन चक्र का नियम है कि पहले जो अफ्रीकी मान्यताओं के हिसाब से जीने का जीवन चक्र का नियम है कि व्यक्ति यहाँ जीता है, जीवन यहाँ रहता है, जब उसका जीवन यहाँ समाप्त होता है तो वो प्राकृतिक तत्वों के रूप में फिर से किसी न किसी रूप में बना रहता है, और फिर जब कोई उसका समय आता है तो फिर मनुष्य के रूप में आ जाता है। तो उस जो ये करार है, जो नियम है, इस नियम से सब लोग बंधे हुए हैं। इस चीज़ को ये सारे जो ऊपर जो सारी चीज़ें बताई गई ये इस तथ्य को बार बार हमारे सामने दोहराती हैं या प्रकट करती हैं। और आगे एंड द फेट ऑफ डेड हु आर नॉट डेड, कौन बंधे हुए हैं, द फेट ऑफ डेड, वो मृतक जो हमारे पुरखे हैं वो भी इसी नियम से बंधे हुए हैं, इस प्रतिज्ञा वचन से बंधे हुए हैं, हु आर नॉट डेड, जो कि वास्तव में मृत नहीं हैं, हमारे जो पुरखे हैं वो सब भी इस नियम से, इस भाग्य के इस अनुबंध से, इस नियम से बंधे हुए हैं। टू द स्पिरिट्स ऑफ ब्रेथ हु आर स्ट्रॉन्गर देन दे, उन स्पिरिट्स ऑफ ब्रेथ है, ये सांसों का भी प्रतीक है और जीवन का भी प्रतीक है। तो ये जो पुरखों के जो जीवन है उनके स्पिरिट्स, मन में जो आत्मा रूप है तत्व, उस पर भी लागू होता है, हु आर स्ट्रॉन्गर देन दे। और ये जो आत्मिक तत्व है ये सामान्य जो जीवन है, सामान्य जीवों से स्ट्रॉन्गर है, उनसे जितना हम रहते हुए स्ट्रॉन्गर होते हैं, मतलब हमारे अंदर जो शक्ति होती है इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो तो नष्ट हो जाता है समय से, लेकिन जो स्पिरिट्स होती है कभी मरती नहीं है, अविनाशी होती है, तो इससे भी वो ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं, शक्तिशाली दिखती है। इसके अलावा भी जो जीवन के रूप में व्यक्ति होता है, आत्मा के रूप में, तो वह और मनुष्य से कहीं ज़्यादा उसके अंदर करने की पावर आ जाती है, उन्हें लोग देवता के रूप में मानते हैं, जो कि मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली और देने वाले हो, कि देने, किसी को कुछ देने की, किसी को कुछ बनाने की भी ताकत पावर रखते हैं, स्ट्रॉन्गर समझा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। अगली लाइनें हैं, वी आर बाउंड टू लाइफ बाय दिस हार्स लॉ एंड बाय दिस कोविनेंट वी आर बाउंड, हम जीवन भर इस हार्स लॉ, हार्स माने होता है कड़ा, इस कड़े नियम, कड़े नियम का मतलब अकाट के नियम से बंधे होते हैं। नियम कि हमें यहाँ जीने के बाद जो हमारी शरीर हमारा दफन कर दिया जाएगा तब भी हमारा जीवन कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो ये जो कड़ा नियम है या अकाट्य नियम है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, हम सब पूरी ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी इस नियम से बंधे हो, इस अकाट्य नियम से जुड़े रहते हैं। एंड बाय दिस कोविनेंट वी आर बाउंड, और उस प्रतिज्ञा वचन या अनुबंध के साथ में भी हम बंधे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियमों का, इन नियमों का पालन करते हुए जीना पड़ता है, बाद प्राकृतिक तत्वों के रूप में मौजूदगी रहती है। तो ये जो हमारी प्रतिबद्धता है कि अनजाने में हमसे होती रहती है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। टू द डीड्स ऑफ द ब्रीदिंग्स दैट डाई अलोंग द बेड एंड द बैंक्स ऑफ द रिवर, लाइनें से जोड़ दिया गया है कि किस कोविनेंट या किस वचन से हम बंधे हुए हैं, टू द डीड्स ऑफ द ब्रीदिंग्स दैट डाई, ये जो ब्रीदिंग्स, देखिए ब्रीद का मतलब सांसें या जीवन सा था, तो यहाँ पर ब्रीदिंग्स का मतलब सांसें या सांसों वाले लोग, प्राणी, तो उन जीवों से या प्राणियों से ब्रीदिंग्स का मतलब है कि जो प्राणी दैट डाई, जो मर जाता है, उसके डीड्स, उसके कर्मों से ये बंधा हुआ है। बेड एंड द बैंक्स ऑफ द रिवर है बेड के साथ, मतलब जो मृत्यु शैया पर जाता है, और बैंक्स ऑफ द रिवर किनारे जिसको हम लोग दफन कर देते हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें पहले जो दफन किया जाता था तो दूर कहीं जाकर नदी के किनारे
या मैदान में उनको दफन किया जाता था। पुरानी सभी सभ्यताएं या जो गांव शहर होते थे वो नदियों तालाबों के किनारे ही बने होते थे। दफन करने की जगह भी उन्हीं के आसपास होती थी। तो वहाँ पर जो ये इन सारे क्रियाओं में या जो क्रियाओं में जिनके साथ होती हैं उन सब पर ये कोविनेंट लागू होता है कि मरना पड़ता है। ये जो लाइनें थी ये मनुष्य के लिए दी गई हैं या जो हमें दिखती हैं जो जीव दिखते हैं उनके लिए दी गई। अब इसके आगे जो तीन लाइनें हैं वो पुरखों के लिए दी गई हैं। टू द डेट्स ऑफ ब्रेथ्स दैट क्वेर इन द रॉक दैट विंस एंड द ग्रासेस दैट क्राई। नियम है ये वचन जो कोविनेंट मतलब जो वचनबद्धता है वो टू द डीड्स ऑफ द ब्रेथ्स ये उन प्राणियों के साथ में भी लागू होती हैं उनके कर्मों के साथ में भी जुड़ी हुई हैं। दैट क्विवर इन द रॉक इन चट्टानों में या पहाड़ियों की धड़कन के रूप में उनके अंदर जो स्पंदन है जो उनके अंदर स्फुरण है उनके रूप में जो मौजूद है जो धड़कन है उनके कर्मों के साथ पर भी ये लागू होता है। दैट विंस हाँ विंस का मतलब बेचैनी भरी कराहट से है। तो ये जिन चट्टानों में या पहाड़ों में ये मौजूद होता है और वहाँ भी उनके कर्मों के साथ भी ये लागू होता है। एंड द ग्रासेस दैट क्राई और जो ये घास हैं मतलब पेड़ पौधे हैं उनके की क्राई मतलब उनकी चिल्लाहट या उनके रुदन में भी ये कर्म का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। टू द डीड्स ऑफ द ब्रीदिंग दैट लाई ये वहाँ भी लागू उनके कर्मों पर भी लागू होता है। ब्रीदिंग्स दैट लाई जो कि पड़े हुए हैं जीवों पर भी ऐसे जीवन तत्वों पर भी मौजूद होते हैं जो कि पड़े हुए हैं कहाँ इन द शैडो दैट लाइटेंस एंड ग्रोज डीप उन पुरखों उन शरीरों के जो कि या छाँव में पड़े हुए हैं। दैट लाइटेंस जो कभी चमकती है एंड ग्रोज डीप और कभी वो गहरी अंधकार भरी हो जाती है। लाइनें भी दफन हुए पुरखों के लिए हैं क्योंकि उन्हें ऐसी जगह दफन किया जाता था अफ्रीकी संस्कृति में जो जहाँ पर छाया रहती हो और जहाँ पर उन्हें परेशानी ना हो। ऐसी बढ़ती घटती छाया गहरी होती और हल्की होती छाया में जिनको रखा गया है या जिनको दफन किया गया है उनके कर्मों पर भी लागू होती हैं ये बातें। ये जो नियम है जन्म चक्र का कर्मों का वे सब इन पर भी लागू होती हैं। ट्री दैट शडर्स इन द वुड्स दैट वीप इन द वाटर्स दैट फ्लो एंड द वाटर्स दैट स्लीप टू द स्पिरिट्स ऑफ ब्रेथ विच आर स्ट्रॉन्गर देन दे नियम है जीवन चक्र के या इन द ट्री दैट शडर्स ये वहाँ भी लागू होते हैं उन पेड़ों पर भी लागू होते हैं जो कि जिनके अंदर स्फुरण होता है मतलब जो हिलते डुलते हैं। इन द वुड्स दैट वीप ये उनके ऊपर भी लागू होते हैं उन जंगलों पर भी जो कि रोते हैं जिनसे सिसकियों की आवाज़ निकलती है। इन द वाटर्स दैट फ्लो ये वहाँ भी लागू होता है जो पानी बहता हुआ होता है। एंड द वाटर्स दैट स्लीप ये वहाँ भी लागू होता है जो पानी ठहरा हुआ होता है शांत अवस्था में होता है ये वहाँ भी लागू होता है। टू द स्पिरिट ऑफ ब्रेथ स्ट्रॉन्गर देन दे जो आत्मा हैं पुरुखों की जीवों की और जो कि सामान्य व्यक्ति से जीव जो हमें दिखता है इन चीज़ों से अधिक ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें ये सारे नियम ये सारे अनुबंध सारे वचन प्रतिज्ञा वचन लागू होते हैं। दैट हैव टेकन द ब्रेथ ऑफ डेथलेस डेड इन सब ने टेकन लिया है अपना ब्रेथ अपनी सांसें या अपना जीवन कहाँ से लिया है ऑफ द डेथलेस डेड उन अमर पुरुखों से लिया है। डेथलेस डेड डेथलेस माने जो मरे ना या अमर और डेड माने यहाँ पुरुखों के लिए कहा गया। तो इन सबको जीवन कहाँ से मिला है सांसें कहाँ से मिली हैं ये उन पुरुखों से ही मिली हैं। ऑफ द डेड Who have never gone away और ये उन्हें जीवन कहाँ से मिला है of the dead उन पुरुखों से who have never gone away जो हमारे बीच से कभी गए ही नहीं हमारे साथ हमेशा मौजूद हैं और कहाँ से मिला है of the dead उन्हीं पुरुखों से who are not now under the ground जो कि कब्र के अंदर धरती के अंदर मौजूद नहीं होते जो कि
बाहर प्रकृति के तत्व के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं, उन सबसे ही ये ब्रेथ इन चीज़ों ने ली है जो कि ऊपर हमने बताई है। अब फिर लास्ट में जो लाइनें हैं ये भी ऊपर दो बार और आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ चूँकि दी गई हैं कविता में तो हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं और इसका अर्थ भी रिपीट कर देते हैं। लिसन मोर टू थिंग्स देन टू वर्ड्स दैट आर सेड, द वाटर वॉइस सिंग्स एंड द फ्लेम क्राइज एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वुड्स टू साई इज द ब्रीदिंग ऑफ द डेड। ध्यान देकर उन चीज़ों को सुनो जो तुम्हें बाहर से नहीं सुनाई पड़ती, जो शब्द तुमसे कहे जाते हैं, जो लोग कहते हैं वो तो तुम्हें सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इनसे अतिरिक्त अलग हट करके चीज़ों को सुनने की कोशिश करो, यानी कि प्राकृतिक आवाज़ों को, प्राकृतिक ध्वनियों को, प्राकृतिक भावनाओं को सुनने की, समझने की कोशिश करो। जैसे कि द वाटर वॉइस सिंग्स, पानी की जो, जल की जो आवाज़ है उसका जो संगीत है उसको सुनो, एंड द फ्लेम्स क्राइज, जो आग की लपटों में जो चिल्लाहट है, भभकने की आवाज़ है आग की लौ में, उसको सुनिए, वो भी जीवन का, पुरखों के जीवन का प्रतीक है। एंड द विंड दैट ब्रिंग्स द वुड्स टू साई, और जो ये हवाएं हैं, जो हवा है ये जो जंगलों की सिसकियों को लेकर के बहती है उसको सुनो और समझो, इज़ द ब्रीदिंग टू ऑफ द डेड। ये क्या है सब? ये सब हमारे पुरखों की सांसें हैं या पुरखों के जीवित रहने का प्रतीक हैं, या इनके अंदर पुरखे हमेशा मौजूद रहते हैं और हमारे पास आसपास वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था सेनेगल के पोएट बिरागो डियोप की पोएम ब्रिथ का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपना कमेंट भी करें।